वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से यह दंत रहित मुस्कान और फसल की आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की दंत रहित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम देखते हैं, अगर आपने कोई छोटा बच्चा देखा ही होगा, जब भी आप किसी छोटे छोटे बच्चे को देखते हो जिसके दांत भी अभी तक नहीं आए हैं, चाहे आप गुस्से में ही क्यों ना हो, लेकिन सारा गुस्सा छुमंतर हो जाता है ना। तो ऐसे ही कवि के साथ होता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का मतलब है एक ऐसी मुस्कान जिसके अंदर दांत नहीं है, है ना, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा, मतलब वो खुश हो जाता है। बाहर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है, मतलब वो कहीं बाहर रहता था, नौकरी करता होगा, तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी जो है दूर हो जाती है। नेक्स्ट, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ तथा बनावटीपन होता है। होता या नहीं होता भाई, छोटा बच्चा है तो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से नेचुरली हंस रहा है, लेकिन बड़े लोग क्या है, बॉस को खुश करने के लिए हंस रहे हैं, चापलूसी के लिए हंस रहे हैं, बनावटी हंसी भी हंस रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। देखो, बच्चे की मुस्कान को कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल गए। भाई कमल का जो फूल होता है तालाब के अंदर खिलता है, तालाब गंदा सा होता है और कमल बहुत सुंदर होता है, तो कवि को ऐसा लगता है कि जो तालाब है, तालाब की जो सबसे सुंदर चीज है जो कि कमल होता है, वो उसके घर आ गया, मतलब बच्चे की फॉर्म में। बांस या बबूल से सिफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। देखो, बांस और बबूल दोनों ही कठोर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को देख के जो कठोर लोग हैं उनके मन में भी मतलब फूल खिलने लगते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। अब आपको भाव स्पष्ट करना है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जा। तो ये वही वाली बात है, पुरानी वाली, कभी ये सोच रहा है छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में, ये पूरा यहीं से लिया, मैं खिल रहे जलजात का आशय है कि कभी बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल गए हों। अभी मैंने बताया था ना कि तालाब में कमल होता है ना, तो तालाब गंदा सा होता है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि सारी जो खुशियां हैं, सारी जो सुंदरता है मेरी झोंपड़ी में आ गई है, क्योंकि ये सुंदर बच्चा मेरे घर में आ गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शैफालिका के फूल बांस था कि बबूल। कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं उनकी मुस्कान मनोहारी होती है, मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे बच्चों का स्पर्श पाकर बांस या बबूल भी शैफालिका का फूल झड़ने लगते हैं। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी नरम हो जाता है, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा हो उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो भी मुस्कुराने लगता है। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं तीन तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक कर देना, 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। यार कोई सपोज करो तुमसे मुस्कुराते हुए मिल रहा है तो तुम यार खुश हो जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम पे बार हर बात बात में गुस्सा करता है, तुम्हें गाली देता है, तो तुम भी गुस्सा हो जाओगे। तो मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है, वहीं दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की आक्रोश और अप्रसन्नता के भाव को प्रकट करता है, और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना खुद का नियंत्रण भी खो बैठता है ना, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्रोध में क्या क्या कह बैठा हूं। दंतरित मुस्कान के बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो भाई उस बच्चे की उम्र 8 से 9 महीने की होगी, क्योंकि उसी उम्र में बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रवास यानी कि बाहर से काफी दिनों बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु यानी छोटे बच्चे से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो जाती है, उसे लगा कि झोंपड़ी में जैसे कमल उठे हों। अब चिल्ड्रन, अब हम करेंगे फसल के क्वेश्चन आंसर। कवि के अनुसार फसल क्या है? भाई कवि ये कह रहा है, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों का पानी भी लगता है, अनेक लोगों के हाथों का स्पर्श लगता है, ठीक है, बहुत सारे खेतों की मिट्टी लगती है, तब जाके
मतलब फसल बनती है। तो फसल यानी सूरज ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से, मिट्टी ये नहीं कह सकती कि मेरी वजह से, किसान ये नहीं कह सकता कि खाली मेरी वजह से, मतलब बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे प्राकृतिक तत्व, तो तब जाके फसल का निर्माण होता है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं भाई? मानव परिश्रम है ना, जब तक किसान परिश्रम नहीं करेगा, पानी भी जरूरी है, मिट्टी भी जरूरी है, और सूरज की किरणा और हवा भी जरूरी है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि भाई चाहे उसको खूब हवा मिले, खूब पानी मिले, खूब सूरज की किरणें मिले, लेकिन अगर किसान के हाथों का स्पर्श नहीं मिला, अगर उसमें किसान ना हो, तो क्या वो कभी फसल बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसी बात के लिए वो कह रहा है कि किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा की वजह से ही जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार होती है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में आपको बस भाव बताना है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कवि कह रहे हैं सूरज की किरणों का अलग योगदान है और हवा का अलग योगदान है। प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। फसल की हरियाली सूरज की किरणों की से आती है, और फसल को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान होता है। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? वृद्ध की, युवक की, बच्चे की या युवती की? आप अपने आंसर में बस ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।